हम लोग आ चुके हैं अभी गिरवा रसूलपुर में आ चुके हैं और यहाँ पे इनसे हम मिले हैं आज। इनका नाम और पता तो नहीं जान पाए लेकिन इनसे हमने एक नात सुनी है, बहुत अच्छा लगा है। तो आइए हम मिलवाते हैं, आइए कैमरामैन हमारे आ जाए यहाँ पे। और आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं? हमारा परिचय आप लीजिएगा। जी बताएं। हमारा परिचय इस्लामपुर, हमारा नाम वाकिब गरीबुल वतन शाह कमली वाले बाबा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिएगा मैं आपके सामने जो है एक नाज शरीफ पेश करना चाहता हूँ। बेशक। तवज्जो फरमाए। बेशक। ये देखो आप, मैं आपको बता रहा हूँ, जो हकीकत में वो लुफ्ते नजर आया नहीं करते। बेशक। हकीकत में वो लुफ्ते नजर आया नहीं करते, जो रसूल अल्लाह के चाहने वाले उनकी वो बात टाला नहीं करते। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह। हर नजर का पुटेगी और महशर के दिन खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा। ऐ मसीह दो आलम चले आइए वरना बीमार का दम निकल जाएगा। मेरा सीना मदीना है सरकार का, उनको जन्नत बनाए बहुत दिन हुए। ओढ़ कर काली कमली जो आ जाएंगे, हस्र का सारा नक्शा बदल जाएगा। ओढ़ कर काली कमली कौन आएंगे? हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम लाएंगे, तब ये हस्र का सारा नक्शा बदल जाएगा। नफसी नफसी का आलम होगा जब। बेशक। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आपने बहुत बढ़िया नाज सुनाई है, और हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। हम तो चाहते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और हमारे सभी गाइस से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अभी हम नए हैं, अभी इस तरह की वीडियो डाल रहे हैं, आगे चल के हम और अच्छे वीडियो डालेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपकी बहुत अच्छे होंगे। अभी आपने एक वीडियो हमने शूट किया है इनका, हमारे बाबा जी हैं ये, बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं ये, और हम इन्होंने एक नात सुनाई है, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने नात को पढ़ा है और अच्छी तरीके से उसका मतलब भी बताया है। और आप, हमारी पूरी टीम यहाँ पे पूरी इकट्ठा हुई है आज, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।